Hi guys, good morning and welcome back to my study vlog. This is study vlog 15th. तो सुबह उठ के मैं गई थी सबसे पहले पार्क. अभी मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था कि कैसे मैंने अपना स्लीप शेड्यूल ठीक किया है एंड वो मेरे लिए काफ़ी हद तक काम कर रहा है. तो अभी मैं थोड़ा जल्दी उठ जा रही हूँ एंड टाइम पे सो जा रही हूँ एंड आई विश ये कंटिन्यू ही रहे. तो फिर घर पे आके फ्रेशन अप होके आई स्टार्टेड विथ माय फर्स्ट स्लॉट जहाँ पे मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रही हूँ. ऑल्सो गाइज, मुझे टेलीग्राम पे ऐसे क्वेरीज आते हैं कि मैं स्ट्रैटेजी बताऊँ कि कैसे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है. तो मैं वो सब बुक्स बता सकती हूँ जो मैं रेफ़र कर रही हूँ, क्योंकि मैं एस्पिरेंट हूँ, एजुकेटर नहीं. तो मैं पूरा स्ट्रैटेजी ऑब्वियसली नहीं बता सकती, पर मैं हाँ वीडियो रेफ़र कर सकती हूँ, अपने बुक लिस्ट शेयर कर सकती हूँ जो मैं करती भी हूँ. और मुझे ना सर्वाइकल का इशू है जिसकी वजह से मैं बाल बहुत ज़्यादा देर तक बांध के नहीं रख पाती. तो अगर मैं बहुत देर तक मेरे बाल बंधे हुए होते हैं तो मुझे पूरा स्पाइनल कॉर्ड में पेन होने लगता है. वैसे तो कंफर्टेबल वही है, पर फिर ऐसे पढ़ते पढ़ते मुझे बहुत बार अपने हेयर को अनटाई भी करना पड़ता है. तो अभी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही थी और मुझे जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहे थे मैं क्वेश्चन के बाद ही लिख ले रही थी, ताकि मेरे को बार बार आंसर रेफर ना करना पड़े. और ये टेबल मुझे रिसीव हुआ था, ये कोलैब का ही पार्ट है. तो ये मुझे स्टडी टेबल रिसीव हुआ था एंड मैं बहुत एक्साइटेड थी इसको देखने के लिए. इसका जो पूरा डिज़ाइन है मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज इसमें पेन वगैरह रखने के लिए अलग से छोटा सा ड्रॉअर दे रखा है, विच वॉज़ रियली नाइस एंड अच्छे खासे सेक्शंस थे. तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा. अमेज़ॉन पे ये अवेलेबल है, मैं इसका लिंक ऐड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. तो इस स्लॉट के लिए मैं ख़त्म कर रही हूँ ये ईयरली करंट अफेयर्स वन लाइनर. तो मैं ट्राई कर रही हूँ इससे MCQ करने का जितना ख़त्म हो सके, जो लास्ट में दिया होता है अराउंड 800 MCQs होते हैं. तो आई ट्राई कि अभी जितना मैं इससे कंप्लीट हो सके एक डेढ़ घंटे के स्लॉट में, उसके बाद फिर मैं दूसरा स्लॉट स्टार्ट करती हूँ. इस स्लॉट के बाद फिर मैंने अपने लिए थोड़े से एप्पल्स कट किए थे. थोड़ा सा प्रॉब्लम ये चल रहा है मेरे फ्लैट में कि मेरा मोटर ख़राब हो गया है, तो वो बन जाएगा वैसे तो आज, जब मैं आज वॉइस ओवर दे रही हूँ तो. पर हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था तो मैं कुछ भी कुक वगैरह नहीं कर पा रही थी. तो मैंने पूरा दिन फिर बाहर का ही खाया है, टिफ़िन ही मंगवाया है दो बारी टिफ़िन मंगवाया और एक बारी तो फ्रूट्स वगैरह ही खाए हूँ मैं. तो इस स्लॉट में मैं कर रही हूँ एक लेक्चर इंटरनेशनल रिलेशंस का, क्योंकि मेरे को UPSC का भी प्रिपरेशन करना है, दोनों करना है. तो इसीलिए मैं इंटरनेशनल रिलेशंस का यहाँ पे एक वीडियो देख रही हूँ और जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है मैं उसको नोट डाउन कर रही हूँ. फिर मैं जब शाम में बाहर गई थी तो मुझे ये भुट्टा दिखा था, तो बस ये हो गया कि भैया ने मुझे पहले से बना हुआ भुट्टा दे दिया, तो वो ऑब्वियसली वो टेस्ट नहीं था उसमें, तो उतना ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगा. फिर मैंने कुछ फ्रूट्स भी ख़रीदा था अपने लिए. यहाँ पे भैया मुझे ग्रेप्स टेस्ट करवा रहे हैं, मैंने ग्रेप्स लिया था और फिर एप्पल ख़त्म हो गया था वो लिया था. उसके बाद फिर जो मेरे फ्लैट के पास सुपर मार्ट है मैं उसमें गई थी एंड वहाँ से मैंने मुझे जो जो इसेंशियल्स लेने थे मैंने वो लिया और ऑब्वियसली अपना कॉफ़ी रिफ़िल किया. मैं यहाँ पर कैमरा सेटअप करके ऐसे रिकॉर्ड कर रही थी एंड इट वॉज़ हिलेरियस बिकॉज पीछे स्टाफ मेम्बर खड़े होकर मुझे देख रहे थे. उसके बाद फिर घर पर लौट करके आई डिड वन मोर स्लॉट एंड यहाँ पे मैं बेसिकली अपना नोट्स रिवाइज कर रही हूँ मॉडर्न हिस्ट्री का. ये बिहार स्पेसिफिक मॉडर्न हिस्ट्री है. अभी भी मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं याद हैं, तो मैं वही ट्राई कर रही हूँ रिटेन करने का. So this was it for this video guys. If you guys have liked the study vlog, please don't forget to like, share and subscribe. See you guys in the next study vlog. Thanks for watching and keep studying.